TV News, News Telangana Television. We want justice. के वकीलों ने आज डिसाइड किया है, क्योंकि उनको फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो कोई बजट अलॉटमेंट नहीं है, उनका आइडेंटिटी नहीं बनी, उनका रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन लोगों को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के लॉयर्स एकदम आज पहली बार पूरे एक यूनिट होकर एक एग्रेशन बनाए हैं, उसके अंदर ये एजेंडा बनाया गया कि 5000 करोड़ हिंदुस्तान के बजट में वकीलों के लिए अलॉट करना है, वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए करना है। वो वकीलों ने बगैर फीस के, बगैर कोई किसी के बारे में पब्लिक हेल्प के लिए असाम में आ रहे हैं लोग, उनकी पूरी जिंदगी पूरे वकालत में गुजार रहे हैं, उनको कोई फाइनेंशियल गारंटी नहीं है, उनकी लाइब्रेरीज नहीं है, यंगस्टर्स को एंकरेजमेंट नहीं है। ऐसे टाइम पर पूरे हिंदुस्तान के लायर एक होकर आज यूनाइट होकर स्टेशन कर रहे हैं। ये हम लोग हासिल करके रहेंगे कि 500 करोड़ रुपए हर साल के बजट में वकीलों को रहेंगे, जब तक हमारा ये जो लड़ाई चलेगा, ये फाइट हम लोग करेंगे, जितना भी हुआ और हम लोग उसके रिस्पांसिबिलिटी लेके पूरे लोग यूनाइट करके हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान को एकदम पूरे एक्टिविटीज को बंद कराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टेशन करके जैसा तेलंगाना हासिल करें वैसा भी ये डिमांड हम हासिल करेंगे।